हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम समझेंगे कि एपर्चर क्या होता है और ये आपके फ़ोटो को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो आइए अब हम देखते हैं एपर्चर क्या होता है। अगर आप किसी भी लेंस को अंदर से देखें तो आपको ये एपर्चर ब्लेड्स अंदर दिखेंगे। यही एपर्चर ब्लेड्स एक्चुअली एपर्चर कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये एपर्चर ब्लेड्स दिख रहे हैं। इसको हम खोल सकते हैं जिससे कि होल बड़ा होगा, और बंद कर सकते हैं जिससे कि होल छोटा हो जाता है। यही एक्चुअली एपरेचर होता है। देखिए, हर लेंस का अलग अलग एपरेचर होता है, और वो लेंस कितने एपरेचर का है वो आप लेंस के ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 1:1.8D, इसका मतलब है ये लेंस 1.8 एपरेचर तक जाता है। देखिए, जैसे कि जूम लेंस में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1:3.5 to 5.6, इसका मतलब है 18 mm पे जो मैक्सिमम एपरेचर हमारा रहेगा वो रहेगा 3.5, और 55 mm पे जो हमारा मैक्सिमम एपरेचर रहेगा वो है 5.6। तो यहाँ एक चीज़ देखने की, जैसे आप समझ सकते हैं कि 5.6 एक छोटा होल है जैसे कि लाइट कम जाएगी, 3.6 एक बड़ा होल है, और जैसे कि इस प्राइम लेंस में 1.8 जो कि बहुत बड़ा होल है, ये सबसे ज़्यादा लाइट पास कर सकता है। इसलिए प्राइम लेंसेज जनरली लोग यूज़ करते हैं लो लाइट फोटोग्राफी में, और जहाँ पर लाइट की बहुत कमी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लेंस 1.8 एपरेचर पर है, और इसका जो होल है, जो ओपनिंग है, वो सबसे बड़ी है। तो अगर हम इसको 2.8 पे कर दें तो देखिए 2.8 उससे छोटी होगी। अगर हम इसको 4 पे कर दें, 4 उससे और छोटी। अगर हम इसको 5.6 पे कर दें और छोटी। अगर हम इसको 8 पे कर दें और छोटी। अगर हम इसको एपरेचर 11 पे कर दें तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर हम इसको एपरेचर 16 पे कर दें, और लास्ट में अगर हम इसको एपरेचर 22 पे कर दें तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 22 के एपरेचर में होल जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और जैसे जैसे हम एपरेचर कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो होल है वो बढ़ते जाता है। और जैसे कि ये 1.8 पे ये सबसे ज़्यादा ओपनिंग है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लाइट अपने के थ्रू पास कर सकता है। कोई लेंस कितने एपरेचर पर शूट कर रहा है ये आपको कैमरे के ऊपर भी पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं f4.5, f6.3, यहाँ पे आप एपरेचर बढ़ा और कम कर सकते हैं। अगर आपके कैमरा में टॉप स्क्रीन नहीं है तो आप उसको अपने कैमरा के मेन स्क्रीन में भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे f10, f14, यहाँ पे आप एपरेचर बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, और मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अलविदा।